आज हम पढ़ेंगे वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग का उपयोग वर्गीकरण विज्ञान में उपयोग किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान, सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्गीकरण विज्ञान होता क्या है। तो वर्गीकरण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की विविधता एवं उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और ये वर्गीकरण विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक्स, जो कि एक लैटिन शब्द से लिया गया है सिस्टमा, जिसका अर्थ है, सिस्टमा का अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। इसीलिए वर्गीकरण विज्ञान को हम कह सकते हैं कि जब जहाँ पर जीवों की विविधता एवं उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिनियस ने किया था, और लिनियस ने अपने एक प्रकाशन जिसका नाम सिस्टमा नेचुरी में प्रयोग किया था। अब वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत जो आते हैं या जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, सभी जीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है, सबसे पहले पहचानना कि कौन सा जीव है, उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो वर्गीकरण विज्ञान में सम्मिलित हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग, इसमें कई पद अनुक्रम होते हैं जैसे जगत, संघ, गण, कुल, वंश व जाति, जो सभी मिलकर वर्गीकी संवर्ग कहलाते हैं। हमने पिछले भाग में पढ़ाई है कि जितने भी जो हैं, जितने भी पादप मिल रहे हैं, जितने भी जीव मिल रहे हैं, उनको पहचानना, उनका नामकरण करना, उनका वर्गीकरण करना और उसके बाद उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, ताकि आगे जाके उनका हम लोग अध्ययन कर सकें, उसको कहते हैं वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी जो पदा अनुक्रम की प्रत्येक इकाई को श्रेणी या संवर्ग कहते हैं। किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में रखने के लिए हमें जीव के गुणों की जानकारी होनी चाहिए। इसके द्वारा हमें जीवों में समानता व विभिन्नता को पहचानने में सहायता मिलती है तथा हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकी संवर्ग के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनको एक जो निश्चित क्रम है उसी में रखा जाता है। वो निश्चित क्रम क्या है? जगत, संघ, गण, कुल, वंश, जाति। और इन सब में इन जीवों को उनकी समानता, क्या क्या समानताएं हैं उनको एक कैटेगरी में, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या विभिन्नताएँ हैं, उनको अलग से वर्गीकरण किया जाता है। तो इस वर्गीकरण में जो हमने देखा कि ये सारे जो हैं एक क्रम में हैं, जिसको क्या कहा गया है, पद अनुक्रम, और इसका एक निश्चित क्रम है, जगत के बाद संघ, गण, कुल, वंश, जाति। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है जाति। जाति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीशीज, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जब बात की तो हमने कहा जगत, संघ, गण, कुल, वंश, जाति, और एक निश्चित क्रम में इसी क्रम में आएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, सबसे छोटी इकाई जो है जाति। इसमें क्या आते हैं? जाति में वह समूह जिसमें सभी जीवों में सबसे ज़्यादा समानताएं होती वह आते हैं। तो जाति में कौन कौन से जीव आएंगे? जीव या पादप, वह सभी जीव आएंगे। जीव इसीलिए बोल रही हूँ, उसमें पादप भी आ जाते हैं और उसमें जंतु भी आ जाते हैं। तो वे सभी जो जीव हैं वो आ जाएंगे जिनमें ज़्यादातर समानताएं पाई जाती हैं। दूसरी बात, ये आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं। तीसरी बात, ये निकट और भूतकाल में समान पूर्वज से जल में होते हैं। अगर उनका हम लोग उनकी अगर हम उनकी हिस्ट्री निकालें, उनका देखा जाए, तो हम देखेंगे कि या तो उनका निकट का या भूतकाल में वो लोग समान पूर्वज से जल में होते हैं। चौथी बात कि इनमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो समान होता है। ऐसे समूह को एक ही उसमें रखा जाता है और उसको बोलते हैं जाति। अब दूसरा जो है वो आता है हमारा वंश। हमने कहा ना जाति के बाद क्या? वंश। वंश जो है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जीनस, निकटवर्ती व संबंधित जातियों को एक वंश में शामिल किया जाता है। अब देखिए क्या कहा है, निकटवर्ती और संबंधित जातियाँ। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे जातियों के बारे में कि क्या है,
जो सभी जीव में समानताएं थी, प्रजनन कर सकते थे, उनका कोई समान पूर्वज था, आनुवंशिक पदार्थ था। तो ऐसे जीवों को, ऐसे निकटवर्ती और संबंधित जातियां जिनमें बहुत ज़्यादा समानताएं थी, उनको एक वंश में शामिल कर लिया जाता है। किसमें? एक वंश में। जैसे कि उदाहरण के लिए, बैंगन एक अलग जाति का पादप है, आलू अलग है, लेकिन ये दोनों जो जातियां हैं एक वंश में आती है जिसका नाम है सोलनम। यानी बैंगन और आलू दो विभिन्न जातियां हैं, लेकिन कौन से एक वंश में आती है? सोलनम। कि इनमें दिखने में विभिन्नताएं होंगी लेकिन काफ़ी सारी ऐसे समानताएं हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया? एक वंश में, जिसका नाम है सोलनम। अब हम जंतुओं के भी एक उदाहरण समझते हैं। जैसे वंश है पैंथरा, ये सारे एक ही आपको दिख रहे होंगे, पैंथरा पैंथरा पैंथरा, ये सभी एक ही वंश है लेकिन जाति भिन्न भिन्न है। जैसे कि पैंथरा लियो, पैंथरा लियो मतलब शेर, पैंथरा टिग्रिस यानी चीता, पैंथरा पार्डस यानी बाघ। अब आप देख रहे हैं यहाँ तीनों पैंथरा, यानी इनका क्या वंश समान है लेकिन जाति क्या भिन्न है, और जातियाँ भिन्न होने के कारण आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग जंतु हैं। ठीक है, तो जो समान जातियाँ हैं, जो जातियाँ जिनमें कुछ समानताएँ नज़र आती हैं, उनको एक वंश में रखा जाता है। अब आगे आता है कुल। कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। जिन वंशों में अधिक समानताएं होती हैं वे एक कुल में शामिल होती हैं, और जो वंश जो हैं जिनमें अधिक समानताएं होती हैं, अगर जिनमें अधिक समानताएं पाई जाती हैं उनको किस में रखा जाता है? उनको कुल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए वंश सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा। आप देख रहे हैं वंश बोल रही हूँ मैं, वंश कौन सा? सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों अलग अलग वंश हैं, और ये तीनों वंश किस में आते हैं? एक कुल में, जिसका नाम है सोलनेसी कुल। इसी तरह उदाहरण जंतुओं का भी देखिए। वंश है पैंथरा, पैंथरा में क्या आते हैं? शेर चीता बाघ, अभी हमने यहाँ उदाहरण देखा ना। और वंश फैलिलिस में आती हैं बिल्लियाँ, लेकिन जो दोनों वंश है पैंथरा और फैलिस, ये कौन से कुल में आते हैं? फैलिडी। ठीक है, ये दोनों जो वंश हैं वो किस में आते हैं? फैलिडी। क्योंकि काफ़ी इन वंशों में ऐसी समानताएं होंगी जो उनको एक कुल में रखती हैं, जिसका नाम है फैलिडी। अब आगे हम पढ़ते हैं गण। गण आपस में कुछ समानताएं रखने वाले कुलों के सदस्यों को एक गण में रखा जाता है। अब आप देख रहे हैं आपस में कुछ समानता रखने वाले विभिन्न कुलों को, यानी विभिन्न फैमिली के जिनमें समानताएं हैं, उन सदस्यों को किस में रखते हैं? एक गण में। और गण यानी ऑर्डर इंग्लिश में। अब उदाहरण के लिए देखिए, कुल एक फैमिली है फैलिडी और एक फैमिली है कैनेडी। कुल फैलिडी यानी जितनी भी बिल्लियाँ इसमें आती हैं, कुल फैलिडी कैनेडी में कुत्ते। तो बिल्ली और कुत्ते जो ये दोनों फैमिलीज हैं, ये कौन से गण में आती हैं? कार्निवोरा में। ये किस में आ रहे हैं? कार्निवोरा के अंदर। और कार्निवोरा क्या है? एक ऑर्डर है। ये दोनों जो हैं, कुल फैलिडी कुल कैनेडी, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? दोनों कुल हैं। और ये दोनों कुल किसके अंदर आ रहे हैं? जब दोनों कुल में समानताएं हैं तो ये क्या बना रहे हैं? एक गण या द्वि गण के अंदर आते हैं, और इस गण का नाम है कार्निवोरा। ठीक है, आगे आते हैं वर्ग। वर्ग में आपस में संबंधित अनेक गणों को सम्मिलित किया जाता है। जहाँ पे ये जो गण हैं, ऐसे गण जिनमें आपस में संबंध हो या समानताएं नजर आए, उन्हें किस में सम्मिलित कर लिया जाता है? वर्ग में। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे विभिन्न गण हैं, देखिए कौन सा? रोडेंशिया, सिटेसिया, कायरोपेट्रा और कार्निवोरा। इन सभी जो है गणों को, इन सभी गणों में कुछ संबंध है या फिर इनमें कुछ समानताएं हैं,
इस वजह से इन सबको किस में रखा जाता है, प्राइमेट्स में। और ये प्राइमेट क्या है, एक वर्ग है यानी एक क्लास। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे क्या है, संघ। विभिन्न वर्गों का समूह संघ कहलाता है, जितने भी वर्ग हैं वो सभी क्या कहलाते, संघ। जैसे कि मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये सारे क्या हैं, अलग अलग वर्ग में आते हैं। और ये वर्ग ही मिलकर क्या बनाते हैं, एक संघ जिसका नाम है कॉर्डेटा। और पौधों के अंदर अगर ऐसे समान गुण वाले वर्गों को हम लोग जो है, हम लोग उनको क्या नहीं कहते, उनको हम लोग संघ ना कहकर क्या कहते हैं, डिवीजन। क्या कहते हैं, डिवीजन। ऐसे ही जगत है, लास्ट में जंतु जगत के सभी संघों के उच्चतम संवर्ग यानी प्राणी जगत में, एवं इसी प्रकार के पादप जगत के सभी विभागों को क्रमशः जंतु ये व पादप जगत कहलाते हैं। अब देखिए उसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं तो शायद आपको समझ में आए। देखिए, हमने सबसे छोटी इकाई हमने जो है आज पढ़ा वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग के अंदर क्या क्या आते हैं, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघीय विभाग और जगत। हम इनके क्रम को किसी तरह से भी उलट पुलट के नहीं लिख सकते। मैं उदाहरण के लिए समझाती भी हूँ हमेशा कि जैसे अगर मानव के विकास में एक शिशु आते हैं, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर वृद्धावस्था, तो इस क्रम जो है वो निश्चित है। ऐसा नहीं होता कि शिशु काल के बाद डायरेक्ट वृद्धावस्था आ जाए, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आए, फिर किशोर अवस्था आए, तो ऐसा नहीं है। वैसे ही ये जो पद अनुक्रम है वो निश्चित क्रम में है। और हमने समझा कि यहाँ पे जो है सबसे छोटी इकाई जाति है, इस जाति के अंदर ये वर्गीकरण की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर ये देखिए, और इसमें क्या थे, सभी जीव में क्या थी, ज़्यादातर समानताएं होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। फिर इनमें जो है इनका निकट और भूतकाल का पूर्वज क्षेत्र इनका जो है समान होता है, और इनमें आनुवंशिक पदार्थ भी समान होता है। तो वो सारी जो हैं वो किस में आते हैं, जाति में। इसको कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यह है मैंजिफेरा इंडिका। मैंजिफेरा इंडिका क्या है, आम है। यहाँ पे जो मैंजिफेरा है ये वंश को अंकित करते हैं, और इंडिका क्या है, कुल को अंकित कर रहा है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, आलू। फिर है पैंथरा लियो, पैंथरा लियो शेर। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये जो है जो स्मॉल लेटर्स में है ना, ये सारे ये सब किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जाति को। फिर इस क्रम में हमने बात की जाति के बाद समान जाति का समूह क्या बनाता है, वंश। जब समान जाति की हों तो वो क्या बनाते हैं, वंश। तो हमने अपनी अभी समझा यहाँ पर ये देखिए कि निकटवर्ती एवं संबंधित जातियों का जो है वो वंश में सम्मिलित किए जाते हैं। तो हमने कहा था बैंगन, अगर आप उसके पिक्चराइजेशन करेंगे तो बैंगन आलू से बिल्कुल भिन्न है। बैंगन आलू आपको पिक्चराइजेशन भी हो रहा होगा, तो दोनों भिन्न है लेकिन जातियों में काफ़ी समानता है। मैंने कहा जो पुष्प में उनके ग्रो करने में, जहाँ उगने में, और उनमें काफ़ी समानता होने के कारण उनको किस वंश में रखा जाता है, सोलेनम में। और मैंने जंतुओं के भी आपको उदाहरण दिए, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इन सभी का वंश क्या है, एक है, लेकिन जाति क्या है, भिन्न है। तो पूरा जंतु जो है आप देख रहे हैं भिन्न है, लेकिन इन सब क्या है, इनमें कुछ समानता है, शेर, चीता, बाघ। इसके कारण ये किस वंश में आ रहे हैं, एक वंश में, जिसका नाम है पैंथरा। फिर जो है समान वंश वाले जो हैं वो किस में आते हैं, कुल में। कुल में, अब कुल में कौन है, जिन वंशों में अधिक समानताएं होती हैं वह एक कुल में शामिल होते हैं।
अब यहाँ देखिए सोलेनम, सोलेनम में कौन आया था यहाँ पे देखिए, बैंगन और आलू, बैंगन और आलू, पिटूनिया एक फूल है और धतूरा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जो है इनमें समानताएं जो हैं वो आपको बिल्कुल, सोलेनम आलू और बैंगन उसमें आ रहे हैं, पिटूनिया एक फूल है और धतूरा, इनमें कई सारी विभिन्नताएं हो हैं लेकिन काफ़ी सारी समानता के कारण ये किस कुल में आ रही है, सोलेनेसी कुल के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार वंश पैंथरा के अंदर जो है शेर, चीता, बाघ आते हैं और वंश फेलिस के अंदर बिल्लियाँ, ये दोनों जो वंश हैं ये किस कुल में आ रहे हैं, फेलिडी के अंदर। कुल के बाद जो है क्या आता है, गण। अब गण में क्या है, आपस में समानताएं वाले जो कुल हैं, जो कुल हैं वो किस में आते हैं, गण में। जैसे कि कुल फेलिडी, अभी हमने बात की नहीं, यहाँ पर कुल फेलिडी उसमें कौन सी आ रही है, बिल्लियाँ, और कुल कैनेडी उसमें आते हैं कुत्ते, और ये दोनों मिलकर किस में आते हैं, गण कार्निवोरा के अंदर। ठीक है, कार्निवोरा के अंदर ये दोनों कुल आते हैं। इसके बाद आते हैं वर्ग। वर्ग में आपस में संबंधित अनेक गणों के, ऐसे गण जो आपस में कुछ समानताएं रखते हैं वो किस में सम्मिलित किए जाते हैं, वर्ग में। जैसे कि प्राइमेट्स के अंदर आप देख रहे हैं सभी तरह की ये जो हैं गण आ रहे हैं, कौन कौन से, रोडेंशिया, सिटेसिया, कायरोपेट्रा और कार्निवोरा। अभी हमने देखा था यहाँ कार्निवोरा आया था, तो कार्निवोरा के समान जो हैं वो किस में आते हैं, प्राइमेट्स में। इसी तरह संघ, विभिन्न वर्गों का संघ कहलाता है। अब जितने भी वर्ग हैं, ये जितने भी वर्ग हैं ऐसे प्राइमेट्स और कई सारे वर्ग, वो किस में आते हैं, संघ में। और आपने छोटी क्लास में ये वर्गीकरण पढ़ा भी होगा, मत्स्य यानी मछलियाँ सारी, उभयचर जितने भी जो उभयचर है जो ज़मीन पर रह सकते हैं और पानी में रह सकते हैं, सरीसृप, सारे रेप्टाइल्स यानी रहने वाले जानवर, पक्षी और स्तनधारी, ये सभी किस में आते हैं, कॉर्डेटा में। ठीक है, अब ये सबसे जो है हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट क्रम बोल सकते हैं, क्या है, जंतुओं का संघ। ठीक है, यहाँ पे जो सभी वर्ग थे, ये सभी वर्ग हैं वो किस में आते हैं, एक संघ में, इनमें समानता के कारण जो क्या है, कॉर्डेटा। इसी प्रकार पौधों के अंदर जो समानता वाले वर्ग हैं वो किस में आते हैं, डिवीजन में, और डिवीजन में रखे जाते हैं। इन सब के बाद जो हैं जितने भी जानवर हैं यानी जंतु हैं या जंतु है यानी प्राणी जगत, उन सबको हम किस में रखते हैं, जंतु यानी एनिमलिया जगत में, और जितने पौधे हैं उनको किस में रखते हैं, पादप यानी पैलेंटी जगत में। एक बार इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ देखिए ये क्रम वैसे ही है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। सबसे जो है वो क्या आएगा, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, अगर जो जंतु है तो संघ, और अगर पादप है तो विभाग। इसके बाद जगत, अगर जो है पौधे हैं तो प्लांटी और एनिमल है तो एनिमली। तो ये एक निश्चित क्रम है, इसी क्रम में हम लोग जो है वर्ग की पदानुक्रम का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।